सो गाइस जैसा कि आपके सामने है यहाँ पर एक है पानी से भरा हुआ जार, ये देखो पानी से भरा हुआ है यहाँ पर एक जार है, ठीक है। इस जार के अंदर भरा हुआ है खूब सारा पानी और यहाँ पर है आज मेरे पास में एक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि एक लाइट बल्ब मेरे पास में है। तो आज की वीडियो का आइडिया क्या है, हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाने की कोशिश करेंगे, हम पता ये लगाएंगे कि जो एक बल्ब होता है कि क्या हम इस बल्ब को पानी के अंदर चला सकते हैं, या फिर अगर पानी के अंदर हम इसे चला तो नहीं सकते, मतलब या फिर हम इसे अगर क्या होगा अगर हम इस बल्ब को ऑन कर दें और चलते हुए बल्ब को पानी के अंदर डाल दें, या फिर पानी के अंदर बल्ब को डाल दें और फिर उसको ऑन कर दें, तो मतलब ऐसा करने में क्या होगा कि मतलब हम बल्ब को चलते हुए बल्ब को पानी में डाल देंगे तो मतलब जो एक्सपेरिमेंट है ऐसा करने में क्या होता है, तो इसी चीज़ का पता आज की हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये बल्ब है, ये वाला जो बल्ब है ये एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर चलने वाला, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ही हम इस बल्ब को चला सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इस बल्ब के साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर अगर मैं इस बल्ब के साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा पानी के अंदर चलाने का, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी से खेलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो इसके लिए ही मैं यूज़ में लूँगा एक छोटे साइज़ के बल्ब का, देखो इसका साइज़ देखो कितना छोटा है, लेकिन दोस्तों आप इसके साइज़ पर बिल्कुल भी मत जाना, ये जो बल्ब है ये इसके जैसा ही बिल्कुल काम करता है। जैसा कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, वो जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है, यानी कि जो चीज़ होती है वो जो चीज़ होती है वो ग्लो करती है, जो आप अपने वायर देख रहे हो वो चीज़ ग्लो करती है जिससे कि हम लाइट देखते हैं। तो इस वजह जो छोटे साइज़ का बल्ब है इसके अंदर भी ठीक उसी तरह से वायर आपको दिख रही होगी जो कि ग्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी देने पर। तो हम इस बल्ब से एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हम इस छोटे साइज़ के बल्ब से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर देख सकते हूँ मैंने कितनी लंबी वायर इसके साथ में अटैच की हुई है, देखो। हाँ यहाँ पर मैंने होल्डर का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही करना है, यहाँ पर मैंने दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को सोल्डर कर दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास में एक और बल्ब भी है, देखो मेरे पास यहाँ पर दो बल्ब है, क्योंकि हमें आज की वीडियो में हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आज की वीडियो में, हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला होगा ये कि हम इस बल्ब को ऑन कर देंगे यानी कि बल्ब में लाइट चल रही होगी, फिर हम चलते हुए बल्ब को हम पानी के अंदर डाल देंगे, और दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा कि बल्ब को पहले पानी के अंदर डालेंगे फिर ऑन करेंगे। तो चलो मैं सेटअप सारा लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में है एक 9 वोल्ट की बैटरी जिससे कि हम इस बल्ब को पावर करने वाले, देखो हमारा बल्ब बिल्कुल काम कर रहा है परफेक्टली, देखो ये देखो देखो इसकी लाइट देखो कितनी ज़्यादा तेज है, देखो हमारा बल्ब कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है ना। चलो अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा पहले मैं क्या करूँगा इस बैटरी को इस क्लिप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ क्लिप्स आपको दिख रहे होंगे, मैं इन क्लिप्स को यहाँ पर लगा दूँगा, देखो पॉजिटिव पहले को लगा देते हैं पहले यहाँ पर, अब नेगेटिव वाले को भी लगाते हैं यहाँ पर। तो अब जो हमारा बल्ब है दोस्तों वो ऑन हो चुका है ना, देखो हमारा बल्ब दोस्तों जो है वो ऑन हो चुका है, देखो ये देखो एक मिनट यहाँ पर शायद ये देखो अब हमारा जो बल्ब है दोस्तों वो ऑन हो चुका है। चलो अब इस चलते हुए बल्ब को पानी के अंदर डाल दें, ओके। सो गाइस अब ये बल्ब जो है हमारा पानी के अंदर जाने वाला है, 3, 2 and 1 मैं इसको पूरा का पूरा पानी के अंदर डालने की कोशिश करूँगा, देखो तो सब देख सकते हो जो हमारा बल्ब है वो पानी के अंदर जा चुका है। इसको मैं रखता हूँ 2 मिनट तक, देखता हूँ कि कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं, या फिर यानी कि हम क्या चीज़ नोटिस कर पाते हैं। थोड़ा बल्ब भी है जो है बल्ब थोड़ा डिम होना शुरू हो चुका है, देखो बीच बीच में रुक कर देखो। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, जो बल्ब है वो थोड़ा बहुत शायद पानी को हीट करना शुरू कर दिया और हमारा बल्ब शायद अब बंद हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब बबल्स हमें दिख रहे हैं, मतलब जो बल्ब है उसके आसपास काफ़ी सारा बबल्स है, शायद पानी को ये हीट कर रहा होगा। और दोस्तों जो बैटरी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो
ये बैटरी, मैंने इस बैटरी को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, तो मैं भी निकल गया। मतलब ये बैटरी को जो है मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और ये बैटरी सच में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो अब ये बल्ब यहाँ पर से वायर निकलेंगी, सॉरी ये, और जो उसमें ये जो बैटरी है ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, मैं इसको नीचे रख देता हूँ यार, बहुत गर्म हो चुका है। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा बल्ब अभी भी काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बबल जरूर दिख रहे होंगे। चलो इसको बाहर निकाल देते हैं, हमारा बल्ब तो यार बच गया, इस एक्सपेरिमेंट को पास कर गया। चलो अब क्या करेंगे हम, हमने भी इस बार क्या किया, चलता हुआ बल्ब हमने पानी के अंदर डाला, लेकिन अब क्या करेंगे हम बल्ब को डाल देंगे इसके बाद पानी के अंदर इसको ऑन कर देंगे। चलो एक बार मैं इस बल्ब को हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं दूसरा वाला बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब मेरे पास एक और बल्ब है मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बैटरी भी चेंज करना चाहूँगा क्योंकि बैटरी सच में बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है। तो चलो मैं दूसरी बैटरी का यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास एक और बैटरी, चलो इसको पहले एक क्लिप लगा देते हैं यहाँ पर। अब एक ये लग गया यहाँ पर इस तरह से, तो चलो अब इन क्लिप्स के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो ये पॉजिटिव, सॉरी ये मेरा पॉजिटिव यहाँ पर, ये बल्ब के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अब जो हमारा बल्ब है वो फिर से देखो, इस बार बल्ब कितना ब्राइट ग्लो कर रहा है, देखो ये देखो बल्ब हमारा कितना ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है, ये देखो। चलो अब क्या करेंगे हम, अभी हम इसको चलते हुए भी नहीं डालेंगे पानी के अंदर, बल्कि हम इस बल्ब को, मैंने यहाँ पर वायर फिर से निकल चुका है, तो अब क्या करेंगे हम इस इग्निटर, वायर नहीं आ रहा शायद, अब हम इसको, अब जैसे आप देख सकते हो बल्ब ऑन हो चुका है, लेकिन पहले हमें इसको, इसका जो क्लिप है उसको हटाया था यहाँ पर, क्योंकि स्विच का यूज़ नहीं मैंने किया, इसलिए यहाँ मुझे क्लिप को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको डाल देता हूँ पानी के अंदर। दोस्तों हमारा बल्ब जो है वो पानी के अंदर जा चुका है, देखो पूरा का पूरा जो बल्ब है ना दोस्तों वो पानी के अंदर है, देखो ये देखो पानी के अंदर आपको दिख रहा होगा बल्ब हमारा बिल्कुल पानी के अंदर जा चुका। चलो अब इस बल्ब को पानी के अंदर ही ऑन कर देते हैं। ओके 3, 2 and 1, ओ वाओ, ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो आप जो हमारा बल्ब है कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। शायद हो सकता है जो बल्ब है थोड़ा बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, यानी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाला बल्ब जो है वो इस वजह बल्ब के कंपेरेटिवली ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो है काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखो जैसे मैंने इस जार के अंदर डाला हुआ है पानी के, तो मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब सरफेस के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। देखो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो बल्ब का मतलब जो पॉजिटिव एंड है वहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे तो आपको शायद थोड़े बहुत बबल्स दिख रहे होंगे। देखो बबल्स यहाँ पर बनना शुरू हो चुके हैं, और पानी भी शायद, हाँ पानी थोड़ा बहुत बिल्कुल, मतलब यार दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है पानी, लेकिन पानी हीट हो रहा है। देखो पानी में आप देखो यहाँ पर मैं इतना भी गर्म नहीं हुआ, लेकिन पानी जो मतलब हीट है जो हम उसको फील कर सकते हैं, ज़्यादा हीट भी नहीं है लेकिन इतना हीट है कि हम ये फील कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है इतना आप सोच रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ जब हमने एक चलते हुए बल्ब को पानी के अंदर डाला, और या फिर एक बल्ब को पानी के अंदर डालकर उसको ऑन कर लिया, तो कुछ ऐसा होता है बल्ब के साथ पानी के अंदर। और हाँ दोस्तों हमारे दोनों ही बल्ब इस एक्सपेरिमेंट को पास कर गए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में वैसे बल्ब के ऊपर है।